इसका नाम क्या है? चाप शेरो। स्कर्दू से हुंजा का सफर शुरू हो चुका था। स्कर्दू से हुंजा का डिस्टेंस 5 से 5.5 घंटों का है। रास्ते में रुकते हुए, खाते पीते हमने ये सफर 5.5 घंटों में कंप्लीट कर लिया था। कराकरम हाईवे पे ये है हसनाबाद ब्रिज, जो कि रिसेंटली ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होने की वजह से फ्लड के प्रेशर से गिर गया था। आज के डे का सबसे पहला विजिटिंग स्पॉट है अल्तित फोर्ट। फोर्ट के गाइड ने बहुत अच्छी तरह पूरे फोर्ट की हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया और फोर्ट का विजिट कराया। इस गांव का नाम है अल्तित, यहाँ पर दूसरा वर्ड उस गांव का नाम है बल्तित। ये दोनों अल्फाज लफ्ज अल्तित और बल्तित बोथ वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम टिबेटन लैंग्वेज। अल्तित मीन दिस लोअर साइड बट बल्तित मीन द अपर साइड। आप देख चुके होंगे जो बल्तित फोर्ट है वो थोड़ा सा हायर अल्टीट्यूड पे है। वार क्रिमिनल्स वॉरियर्स जो जंगों के दौरान पकड़े जाते बाहर से आने वाले हमलावर उनको यहाँ पर ला के यहाँ से नीचे उनको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से साफ किया जाता ऊपर किया यहाँ से। अल्तित फोर्ट के बाद नेक्स्ट स्टॉप हुंजा का मशहूर करीमाबाद बाजार है। यहां से आपको अपनी पसंद की जो शॉपिंग करनी है आप कर सकते हैं। ये जो है हमारे यहाँ हुंजा का लोकल ऑर्गेनिक योगर्ट है। ऑर्गेनिक योगर्ट? जी बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है। अच्छा, उसके साथ जो चेरी हम यूज करते हैं ये भी ऑर्गेनिक है। जबरदस्त। ये मजेदार स्मूदी पीने के बाद अब होटल जाने का वक्त हो गया है। हुंजा के खूबसूरत टनल्स की तो क्या ही बात है, वाह। होटल भी आ गया। ये होटल अताबाद लेक पे है। क्योंकि मगरिब के बाद होटल में चेक इन किया था इसीलिए अताबाद लेक का खूबसूरत व्यू सही तरह से नहीं किया जा सकता था। अब बस सुबह का इंतजार है कि जब आँख खुलते ही अताबाद लेक का खूबसूरत नजारा सामने होगा। रात खाने के बाद यहाँ के लोकल्स और होटल स्टाफ ने काफी एंटरटेन किया। अब
कल सुबह अताबाद लेक जाना है, फिर हुसैनी ब्रिज का विजिट होगा और फिर पासू कोन्स देखते हुए पाक चाइना बॉर्डर सबसे लास्ट विजिटिंग स्पॉट होगा। चलें जनाब, तो फिर सुबह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।